ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को पता होगा लास्ट एपिसोड में इन चारों की भाई बहुत ही तगड़ी लड़ाई हो गई थी पैसों को लेकर। जो पैसा हमने उस बंदे का चुराया था, मतलब जो कि माइकल का दुश्मन था, उसने अपने सारे राज उगले और भाई लेस्टर ने भैया वैसे उसे मारा बहुत था। और सारा का सारा उसका जितना भी पैसा था हम उसके बैंक से निकाल कर तो ले आए थे। अब यहाँ पर वो जितना भी पैसा है ना, उन पैसों को आज लेस्टर हमें दे देगा क्योंकि किसको कितना मिलना चाहिए और कितना देगा वो। तो उसने कहाँ पर हमें बुलाया, उसने एक नया घर खरीदा है माइकल के लिए, खरीदा मेन वो घर। और उस घर के नीचे बेसमेंट में उसने अपना एक सीक्रेट रूम बनाया है जो कि एक टाइप से वो लेस्टर का ऑफिस होगा। तो यानी कि लेस्टर और माइकल अब एक साथ रहेंगे एक ही घर के अंदर। भाई मतलब बहुत ही तगड़ा सीन होने वाला है। तो वहां पर अभी माइकल और ट्रेवर को भी उसने बुलाया पैसे लेने के लिए, मतलब सबको ही बुलाया और पैसे जितने भी है वो बांट देगा। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि आपको पता होगा कि यार माइकल की जो फैमिली है वो हॉस्पिटल में थी क्योंकि उन्हें चोट लग गई थी जब वो किडनैप हुए थे। तो भाई बहुत तगड़ा ही सीन हो गया था, बट अभी फाइनली जो है वो लोग ठीक हो गए और हॉस्पिटल वालों ने उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया आज। तो सबसे पहले उन्हें लेने जाना है, लेकिन यार थोड़े से पैसे भी होने चाहिए उसके लिए जेब में। तो सबसे पहले हम जाएंगे PDM, क्योंकि हमने अपनी दो गाड़ी बेची थी मैकलैरन एंड निसान GTR। तो वो दोनों गाड़ियाँ जो हैं बिक गई हैं और उनका जो मेन फाइनल अमाउंट आया तो वो $3 लाख के आसपास का है, क्योंकि दोनों ही कार जो है बहुत ज़्यादा महंगी थी और मॉडिफाइड भी थी। तो फटाफट चल के उनकी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं वहां पर चल के, और फिर चलेंगे नए वाले घर पर जहां पर लेस्टर ने सबकी पेमेंट देने के लिए बुलाया है। अब भाई साहब क्या ही खतरनाक गाड़ी है ये वाली भी। बाकी तो ये गाड़ी मैंने भी किराए पर ली थी PDM से। ओके गाइस, तो सबसे पहले चलते हैं यार PDM। वहां से जो पैसे मिलेंगे ना, उन पैसों को हमें देना है हॉस्पिटल वालों, क्योंकि यार वो भी तो फ्री में इलाज थोड़ी करेंगे बैठ के। तो वहां पर उन्हें देंगे पैसे। और भाई उससे भी तगड़ा सीन ये हुआ है कि आपको याद होगा एक बंदा हमारी बुगाटी शेरॉन ले गया था रिपेयर करने के लिए, मतलब कि वो अकेला ही मैकेनिक था और वो कह रहा था कि यार मैं बहुत ही अच्छा मैकेनिक हूं और आपकी बुगाटी रिपेयर कर दूंगा। और भाई फाइनली उसने बुगाटी रिपेयर भी कर दी, लेकिन दिक्कत की बात पता क्या है, अब वो पैसे भी बहुत ज्यादा मांग रहा है। तो भाई वो कह रहा है कि मैं $1,25,000 में आपकी गाड़ी दूंगा, बट यार मैंने उसे बोला कि यार देखो अपने भाई इतना ज्यादा पैसा है नहीं, तो $1,00,000 में हो सकता है तो कर दो, वरना रह नहीं दो। बट वो कह रहा है चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। तो अभी वो बंदा ना मेरे घर आ रहा है, पुराने वाले घर पर ही आएगा फिलहाल। तो देखते हैं वो गाड़ी कैसी करी है, अगर एकदम ठीक नहीं होगी तो मैं पैसे नहीं दूंगा, बाकी गाड़ी एकदम प्रॉपर हो जाएगी तो उसे पैसे दे देंगे। तो कि गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं प्रीमियम ड्यूलेक्स मोटरस्पोर्ट, जहां पर हमने अपनी निसान GTR एंड मैकलैरन बेची थी। अब वो मेरे हिसाब से बिक गई होगी और हमने अपनी गाड़ी को नो पार्किंग में पार्क करा। वाओ क्या VIP आदमी है। अब फटाफट चलकर अपनी पेमेंट ले लेते हैं, शायद से आ गई होगी। और क्योंकि ना हॉस्पिटल में भी पैसे देने हैं तो सब कुछ करना है। और भाई मतलब जो लैम्बोर्गिनी रिपेयर करवाई थी, इंजन उसका दूसरा लगा, सारे पैसे भरने हैं अभी हर जगह। और ये देखो भाई ये कौन सी गाड़ी इन्होंने मंगा ली, भाई साहब कितनी तगड़ी लैम्बो लग रही है वाली। और आगे भी एक गाड़ी खड़ी है, मतलब बड़ी सही सही कार्स इन्होंने अपनी शॉप में मंगवा ली। ओ भाई ये तो काफी सुपर, भाई ये तो बहुत सुपर फास्ट कार लग रही है मेरे को देखने में। बहुत महंगी होगी भाई ये, बहुत ज़्यादा महंगी कार है, जितनी भी एक भी सस्ती गाड़ी नहीं है। और ये कार वो वाली, जैसे तुम्हें कभी किसी रेस वेस में जाना है तो यहाँ से किराए पर ले आ सकते हो, या फिर खरीद बेचते नहीं है शायद ये लोगों वाली गाड़ी। और यहाँ पर ओए ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है, ये कौन सी गाड़ी ये लोग बनवा रहे हैं भाई। ये लग रहा है किसी का ऑर्डर आया किसी बड़े आदमी का भाई, मतलब कि ये कौन सी गाड़ी है। ये एक बार ही बन जाएगी ना भाई, हम लोग जुगाड़ करेंगे इस गाड़ी को ले जाने का। मतलब कि आगे देखो गोलियां लगी हुई हैं और पीछे मतलब, अच्छा आगे दो ही गोलियां लगा रहा है ये बंदा। ओके तो यार काफ़ी तगड़ा सेटअप यहाँ पर हो रखा है। तो चलो यार अभी यहाँ से हम अपनी पेमेंट ले लेते हैं जो पैसे आए हैं, और फिर चलते हैं हॉस्पिटल। तो ओके गाइस अभी पेमेंट जो है डन हो चुकी है और हमारी दोनों गाड़ियां बिक गई है, मैकलैरन और निसान GTR भाई दोनों बिक गई और लगभग हमें $3 लाख के आसपास मिले। फटाफट चलते हैं पहले हॉस्पिटल, वहां से अपनी फैमिली को लेकर नए वाले घर पर छोड़ेंगे और मैं भी आपको अभी नया वाला घर दिखाता हूँ भाई, बहुत तगड़ा है। तो फटाफट चलते हैं अपनी गाड़ी में और गाड़ी को लेकर चलेंगे भाई हॉस्पिटल, क्योंकि यार अपनी फैमिली वहीं पर है। और जल्दी से सारा काम करते हैं क्योंकि मुझे अपना नया वाला घर देखना भैया, मेरे से सबर नहीं हो रहा, मुझे देखना है कि जो लेस्टर ने घर लिया वो कैसा है। तो ओके ओके हॉस्पिटल का रास्ता आगे से ही है। तो जिस हॉस्पिटल में ये लोग हैं उस हॉस्पिटल का नाम है पिलबॉक्स, तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है और लॉस सैंटोस का सबसे तगड़ा हॉस्पिटल है। अरे भैया ठोकोगे क्या, तुम लोग चाहते हो क्या मैं भी हॉस्पिटल में चले जाऊँ। तो ओके यहाँ पर इन्होंने भाई ग्रीन लाइट पे क्यों रुके हुए हैं ये लोग, फटाफट चलते हैं आगे से हमें फिलहाल राइट लेना। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो बेसमेंट बन रहा है यहाँ पर, सही है चलो। अरे 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 अंकल जी क्या ट्रक रोक दिया आपने बीच रोड में ही। ओके तो यहाँ से हमें राइट मुड़ना है और आगे से लेफ्ट लेना है और हम हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। तो ओके गाइस अभी हम लगभग हॉस्पिटल के पास एकदम पहुँच चुके हैं, मतलब कि हॉस्पिटल ही पहुँच गए हैं पूरा। अब यहाँ पर फटाफट से अपनी गाड़ी को जो है यहीं पर पार्क करते हैं। और ये देखो मतलब कि हॉस्पिटल के बाहर इनको देखो भाई सब, सिगरेट विगरेट मैंने पिछली बार भी मना करा था हॉस्पिटल के बाहर नहीं पीनी, साइड में खड़े होकर पी लो ठीक है, वरना भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। तो फटाफट चलते हैं अंदर, इनको पैसे देके अपनी फैमिली को लाते हैं।
तो कि गाइस यहाँ पर अभी इन तीनों को तो मैंने हॉस्पिटल से ले लिया और हॉस्पिटल वालों ने भैया $10,000 ले लिए। मतलब कि यार सारा का सारा खर्चा ही हॉस्पिटल वाले ही निकाल देंगे। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी फैमिली एकदम ठीक हो गई है, वो ज़्यादा बढ़िया बात है। अब फट ये देखो भाई, इसको देखो गाड़ी में बैठने की इतनी जल्दी हो रही है। अब यार इनको मैं लेकर जाऊँगा सीधा नए वाले घर में, पुराने वाले घर में नहीं जाएंगे। मतलब कि यार ये लोग भी हैरान हो जाएंगे कि एक हफ्ते में इतना तगड़ा घर कहाँ से आ गया भाई, इतनी क्या अमीरी आ गई एक हफ्ते में ही, इतने सालों में तो आनी भाई एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया। अब यहाँ पर ना हमें उस बंदे को भी मारना है जिसकी हमने सारी की सारी गाड़ियाँ वाड़ी चुराई, जिसका पैसा चुराया, वरना उसको तो अभी हमने वहीं पर छोड़ रखा है जहाँ पर वो एयरक्राफ्ट कैरियर था ना, मतलब जो शिप थी जिसके अंदर, मतलब जो सीक्रेट लोकेशन है जहाँ पर हमने उसे किडनैप करके रखा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ ना उसको भी मार के उसका खेल खत्म कर देते, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जितना पैसा था वो हमने ले लिया, प्रॉपर्टी वगैरह लेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो पता नहीं क्या करना चाहिए, उसे मार देना चाहिए या फिर और फायदा उठाना चाहिए उसका, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि उसके अभी बहुत बड़े बड़े बिजनेस है तो और भी कुछ निकल सकता है, गाड़ी वाड़ी निकल सकती है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट चलते हैं यहाँ से पहले जहाँ पर हमें जाना है नए वाले घर पर। अब वहाँ पर लेस्टर सबसे पहले हमारे चारों के पैसे बांट देगा। भाई वैसे ये वाले रोड जो एकदम सुनसान एरिया में लेस्टर ने घर लिया है, और घर जो ओके घर जो है सामने की तरफ में ही है। भाई साहब कितना तगड़ा घर लग रहा है भाई ये। ओहो हो भाई, ये सेम वही जगह है जहाँ पर हमने पीएम की गाड़ी वाड़ी चुराई थी। ओके तो यार उसने एकदम बगल में ही घर ले लिया और काफ़ी तगड़ा एरिया में, आपको एरिया दिखा देता हूँ, और अंदर भी काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी है। ओके भाई कितने तगड़े एरिया में हमारा अब घर हो चुका है। तो ये जो घर है हमारा लेफ्ट वाला, आपको एक बार दिखाता हूँ, अंदर चलते हैं अपनी गाड़ी अंदर करते हैं। ओके तो गेट में सेंसर तो लगे है ना भाई, कहीं पता लगे नकली सा गेट। ओके नाइस यार, गेट में ओ भाई हायाबूसा भी खड़ी हुई है और ये फ्रैंकलिन की कार भी खड़ी हुई है, यानी कि ये दोनों भी इस घर में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फटाफट यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देते हैं और इन लोग को भी घर में छोड़ देते हैं। चलो जल्दी से अब यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ और लो भैया आ गए हम अपने घर। अब यहाँ पर जितना पैसा है इन पैसे को भी मैं रख दूंगा, और जो पैसा लेस्टर देगा देखते हैं भैया लेस्टर कितना पैसा देता है। और मैं एक बार घर देख लेता हूँ जो कि लेस्टर ने हमारे लिए लिया है, मतलब कि मेन लेस्टर यहाँ नहीं रहेगा, लेस्टर इसकी बेसमेंट में रहेगा। तो भाई घर तो बहुत तगड़ा है, और यहाँ पर भाई साहब गेमिंग सेटअप भी लगा हुआ है। भाई कितना तगड़ा है भाई साहब, ट्रिपल मॉनिटर, ट्रिपल भी नहीं चार मॉनिटर लगे हुए हैं, बहुत तगड़ा है भाई। लेस्टर का नहीं है वैसे, लेस्टर का नीचे होगा, लेस्टर ऊपर काम करने नहीं आएगा। और ये है हमारा किचन भाई, वैसे अगर देखा जाए ना तो घर तो बहुत तगड़ा है। लेस्टर ने मुझे बोला था कि यार उस वो कहीं बेसमेंट में ही रह रहा है, मतलब कि मेरे को तो यहाँ पर कोई भी बेसमेंट नज़र नहीं आ रही, और हेलीकॉप्टर भी अपने ही है। मतलब यार घर ना बहुत महंगा है, तो उसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है कि हेलीकॉप्टर नहीं होगा, सब कुछ है यहाँ पर, जिम वगैरह सब कुछ बना हुआ है हमारे लिए। लेकिन मुझे अभी फिलहाल तो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। ये इन्होंने ओ भाई साहब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज भी बना रखा है उस पार जाने के लिए, काफ़ी सही है जो कि। और यहाँ पर और क्या क्या है, शेफ़ हैं घर में जो कि हमें किसी भी टाइम पर कुछ भी खाना बना कर देंगे। और एक बारी मैं ना छत पर भी जाकर देखता हूँ, छत भी हमें दे रखी है यहाँ पर, ऊपर चलकर देखते हैं कैसा सीन है। ओके भाई काफ़ी वैसे ना बहुत अच्छा घर लग रहा है। ओके तो ये है हमारे घर का छत, बहुत तगड़ा है, जिसके ऊपर एक और हेलीपैड है। तो मतलब इस घर में एक बार में हम दो हेलीपैड रख सकते हैं फटाफट। चलो यार अभी चलते हैं नीचे, और यहाँ पर भाई बहुत तगड़ा लग्जरी हाउस है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। लेकिन यार ये लोग हैं कहाँ पर? ओके तो ये प्लेइंग एरिया है जहाँ पर हमें एक टेलीस्कोप मिल रहा है, और एक ये पूल बिलियार्ड्स है, और ये क्या है? ओके ये एयर हॉकी है, मज़ा आता है खेलने में इसे काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर ये सीक्रेट डोर है, किसके अंदर बाद में चलेंगे, बट मैं पहले इधर देख लेता हूँ इधर क्या है। मतलब कि यार बहुत ही खतरनाक शानदार घर है, पूरा लग्जरी हाउस है भाई। यहाँ पर अंदर भी कुछ है, अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। ओके तो अंदर यहाँ पर ये है बेड है भाई, काफ़ी सही है जो कि। और यहाँ पर सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है, बहुत तगड़ा भाई साहब, क्या ही चीज़ बनाई है यार। ओके मतलब इतना तगड़ा घर तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर भी कुछ सीन है। ओके तो ये इसका रूम है ट्रेसी का, इसे पता भी चल गया, और यहाँ पर आकर बैठ भी गई, सही है। और यहाँ पर ये वाला रूम किसका है भाई? ये रूम तो छवि लॉक है, रूम बाहर से खुलेगा शायद। ओके तो ये वाला रूम देखते हैं किसका है भाई साहब, ये भी रूम तगड़ा है। तो ओके तो ये जिमी का अपना रूम है भाई, सब ने अपना अपना रूम ले लिया, इन्हें पता भी चल गया। तो भैया ये तो सोने वाली हालत में है, और सामने टीवी लगा हुआ बहुत तगड़ा, चलो सही है। मतलब कि यार मज़े आ गए भाई, इतना तगड़ा घर लेस्टर ने खरीदा है भाई। उसने मेरे को तो लग रहा है ना मेरे ज़्यादा ही पैसे फूंकती हूँ। और ये नीचे देखो, नीचे भाई कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, मेरे को नीचे जाना है भाई, मैं नीचे कहाँ से जा पाऊँगा। ओके तो ये डाइनिंग एरिया है भाई, यहाँ पर बैठ के अगर टीवी भी देखना हो, गेस्ट आ जाए तो उनको अपना यहाँ पर बैठा दो। और ये अपना कुछ नीचे, ओ भाई क्या सीक्रेट जगह ये भाई, लेस्टर ने कितना खतरनाक घर बनवाया भाई अपने सबके लिए। और ये किसी गाड़ी का इंजन शायद बाहर रखा हुआ, और तीन चार बाइक्स हैं, और पाँच छः गाड़ियाँ कहाँ से ले आए लेस्टर, इस पर कब इतना पैसा आ गया भैया? वैसे इस पर पैसा तो बहुत है भाई, लेस्टर ने ना अपना सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया भाई, मानना पड़ेगा। और इसने अपना जो घर है काफ़ी मस्त जगह बनाया, मतलब कि पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, और पेड़ पौधे उसने नकली वाले लगाए प्लास्टिक के। और ओके तो ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी यहीं पर पहुँच रखे, और ये पैसा कैसे फेंक रखा भाई तुम लोगों ने, मतलब इज्जत ही नहीं है कोई पैसे की। ओके तो पीछे जो है गड्डी वड्डी का सारा हिसाब इनका चल रहा है, गन्स खरीद लिया, गन वन सब रख दी भाई।
ये जो घर है ना, मेरे हिसाब से लेस्टर बहुत पहले से इस पे काम करवा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन में इतना काम नहीं हो सकता। ये पैसा वैसा इतना सारा बिखेर रखा है भाई इन्होंने। भाई वैसे अगर देखा जाए ना यहाँ से, यार आप व्यू देखो, मतलब कि यार इतना तगड़ा घर तो भाई कहीं पर भी नहीं होगा भाई। पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में पूरा व्यू देखो भाई, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस दिख रहा है और एक नीचे नदी दिख रही है। तो कि गाइस यार लेस्टर ने अपनी पेमेंट जो है कर दिया, मतलब कि जो हमने चोरी करी थी सोने की, उसका सारा पैसा जो है कन्वर्ट करवा कर ले आया था। और यहाँ पर सबसे गलत सीन पता क्या हुआ है, मतलब कि यार इतने ज़्यादा पैसा आने के बाद भी लेस्टर जो है अपनी अलग हैकिंग पर निकल गया। अब यहाँ पर ये पता नहीं और पैसा कमाने के चक्कर में और कुछ भी काम कर रहा है। अब इसने बोला कि भाई मुझे कुछ भी करके पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर चाहिए तो चाहिए। अब यहाँ पर इस काम के लिए ना इसने हमें $2 मिलियन ज़्यादा दिए, तो मेन इसे देने थे $8 मिलियन। लेकिन अगर हम वो वाला काम करते हैं तो ये भाई हमें $2 मिलियन इसने पहले ही दे दिए हैं। अगर वो काम नहीं होगा तो ये वापस ले लेगा। तो अभी हमारे पास टोटल देख लो भाई कितने हो गए, $10 मिलियन से भी ऊपर है, यानी कि $10,190,000 हमारे पास अभी हो चुके हैं भाई। मतलब इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है, तो भाई मतलब गलत ही सीन है। और यहाँ पर ये जो घर है ना मेन, जो इसने खरीदा है ये भी हमारे लिए ही खरीदा है, क्योंकि यार लेस्टर का जिगरी है भाई माइकल, सारे मिशन इसके लिए माइकल ही करता है। और ये जो दोनों दोस्त इसकी वजह से आए हैं भी माइकल की वजह से ही आए हैं। अब यहाँ पर ये दोनों तो माइकल से बात नहीं कर रहे हैं, लेस्टर ट्रेवर और उससे भी बात नहीं कर रहे, पैसे लेने आए थे और अपना सिगरेट विगरेट पीकर चले जाएंगे। तो फटाफट यार यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पर जाएंगे हम, सीक्रेट रूम से बाहर निकल गए हैं। तो चलो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पर, क्योंकि आपको याद होगा फ्रैंकलिन के घर पर मैंने अपनी दो गाड़ी खड़ी करवाई थी, लैम्बोर्गिनी टैर्जो एंड एलए फरारी। भाई साहब दोनों ही कार एक से बढ़कर एक है, फटाफट उसको लेकर आते हैं। और भाई साहब लेस्टर ने अपने लिए एक रोल्स रॉयस की कॉपी जैसी कार खरीद ली है। एक्चुअली में रियल रोल्स रॉयस नहीं है, लेकिन ये उतनी महंगी है, बाकी बहुत तगड़ी कार है यार। लुक देखो तुम, लुक और कलर मतलब अलग ही मस्त है इसका। तो मैं सोच रहा हूँ यार ट्रैवर की बाइक लेकर चले जाऊँ थोड़ी देर के लिए। मतलब वैसे ट्रैवर कुछ कहेगा नहीं, लड़ाई तो हो रखी है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा इतना। वो हमसे नाराज है, हम उससे नाराज नहीं है, तो हम तो भैया उसकी गाड़ी लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई साहब मतलब यार इसकी बाइक की ना स्पीड ही अलग है, तो मैं सोच रहा हूँ एक और हायाबुसा ना जल्दी से खरीद लेंगे। अब पैसे तो आ चुके हैं, अब मैं समझ नहीं पा रहा कि यार इंडियन हायाबुसा खरीदे या फिर बाहर वाली। जो बाहर वाली होती है ना उसका जो टायर है ना थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड रहता है, मतलब कि पीछे को निकला रहता है। तो चलो गाइस अभी हम फ्रैंकलिन के घर पर पहुंचने वाले हैं। मैंने फ्रैंकलिन को बोला था कि जो मेरी गाड़ियां उन्हें बाहर निकाल के रखे, गैराज से कहीं पता चले कि हमें एक और राउंड लगाना पड़े, क्योंकि गैराज लोगों का तो हम तो खोल नहीं सकते, फ्रैंकलिन ही खोल सकता उसे। ओके 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 भाई कितनी फास्ट है यार हायाबुसा, मैं रेस भी नहीं दे रहा और जल्दी से पहुंच भी गए। तो जो ट्रैवर की बाइक है मैं उसे यहीं पार्क कर देता हूं, क्योंकि ट्रैवर जो है माइकल के घर, फ्रैंकलिन के घर पर ही रह रहा है बहुत दिनों से। और ये जो कार आप देख पा रहे हो ना भाई साहब, लैम्बोर्गिनी टैर्जो, भाई ये बहुत तगड़ी सुपर कार है। मतलब कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है कार जो है किस काम की आएगी, मतलब कि यार इस कार को ना मैं बहुत कम यूज करता हूं, क्योंकि अगर ये हल्की सी भी ठुकी ना तो बहुत तगड़ा खर्चा बैठ जाएगा। तो सबसे पहले इस गाड़ी को लेकर चलते अपने नए वाले घर पर ले जाकर पार्क करेंगे। और भाई कितनी चौड़ी गाड़ी है भाई ये, मतलब कि यार मैं लैम्बोर्गिनी वाली चलाता था, सियान तो उससे तो बहुत ज्यादा चौड़ी है, लैम्बोर्गिनी सियान फिर भी पतली है, बट ये तो यार काफी ज्यादा एरिया घेर रही है भाई। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, महंगी कारों को चलाने का मजा ही अलग है। ये कार बहुत ज्यादा सुपर फास्ट है और पूरी ना जमीन से पूरी टच हो रही है भाई, मतलब सस्पेंशन इसका पूरा रेस वाला है। तो कि गाइस अगर आप इस गाड़ी की रेस देखना चाहते हो ना, तो अभी दिखाता हूँ इस बंदे को, हट जाने दो पहले आगे से, ये बंदा जैसे ही हटेगा ना भाई फिर दिखाता हूँ इस गाड़ी की स्पीड कितनी है। एक्चुअली में हल्का सा रेस देती है भाई, ये इतनी तेज स्पीड पकड़ लेते हैं ना पूछो मत। ये गाड़ी ना, ओ भाई भाई भाई, भाई अच्छा हुआ स्क्रैच नहीं आया, काफ़ी सही है। चलो आगे से ठुकी थी तो स्क्रैच नहीं आया। ऐसे पतले पतले रोडों के लिए इतनी खास नहीं है गाड़ी। इस गाड़ी को एक दिन ना एयरपोर्ट पर ले जाकर टेस्ट करेंगे इसकी मैक्स स्पीड। अब यहाँ पर एक सीधा रोड आ गया ना, यहाँ पर आपको स्पीड दिखाता हूँ इस कार की, हट भाई रेड वाले। ओ भाई 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 सब, ये तो गाड़ी चलाने लायक ही नहीं है यार, बंदा ही मर जाएगा इस गाड़ी को चलाएंगे तो। ओके तो सबसे पहले मैं इस कार को अंदर कर देता हूँ। ओके अंकल जी गेट खोल दो, क्या घटिया सा सेंसर लगा हुआ है भाई, मतलब इतनी देर में खोला इस बार इन्होंने गेट। ओके तो यहाँ पर हमें अपनी नई वाली गाड़ी जो है पार्क करनी है। मैं अपने धीरे धीरे ना सारी गाड़ियाँ लाकर पार्क कर देता हूँ। तो नीचे वाले गैराज में हम पार्क नहीं करेंगे, गाड़ी ऊपर वाले में ही पार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से गाड़ी ना निकालना काफ़ी आसान है, मेन रोड पर निकल जाती है। तो ओके गाइस अभी मैं अपने पुराने वाले घर पर गया था और वहाँ से ये अपनी मेन फेवरेट गाड़ी लेकर आ चुका हूँ, जो कि लैम्बोर्गिनी सियान। यहाँ पर भाई इस कार को चलाने का मजा ही अलग है, क्योंकि इस कार की कंट्रोलिंग, ब्रेकिंग, सब कुछ यार, स्पीड वगैरह सब एकदम बेस्ट है, तो इसे चलाने में सबसे ज़्यादा मजा आता है। लेकिन यार लैम्बोर्गिनी टैर्जो की लुक बहुत तगड़ी है। अब फटाफट यहाँ पर चलते हैं अपने मेन वाले घर में, जो कि हमारा न्यू वाला हाउस है। और इस कार को मैं कहाँ पर पार्क करूँ यार, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मतलब कि एकदम खतरनाक लुक हो जानी चाहिए घर की, अगर कोई बंदा बाहर से देखे तो वो भी हैरान हो जाए, भैया ये किसका घर है, मतलब कि सबसे अमीर लगना चाहिए भाई हमारा घर।
सबसे महंगा और सबसे अमीर आदमी लगने चाहिए हम लॉस सैंटोस के। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी जो है पार्क कर देता हूँ, लेकिन इस कार को पार्क करने की ना मैं एक अलग जगह बनाऊंगा जहाँ से आराम से निकल भी जाए। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर से फ्रैंकलिन की गाड़ी निकाल ली है, क्योंकि यार लेस्टर ने एक बहुत ही जरूरी काम बोला है और वो यार आज ही आज में करना है। तो अपनी जितनी भी गाड़ियाँ ना सारी की सारी मैं बाद में लाकर खड़ी कर लूँगा, बाकी अभी तो मैंने अपनी दो लैम्बोर्गिनी लाकर खड़ी कर दी है। अब इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सबसे पहले LSPD यानी कि पुलिस वालों का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर लेकर चलते हैं, और वहीं पर उनका हेलीकॉप्टर भी खड़ा ही होगा उनकी छत पर। तो फटाफट से उस हेलीकॉप्टर को ना यार जैसे तैसे चुरा कर लाना है यार, मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है भाई। मतलब कि यार इतना सब कुछ हो चुका है बट फिर भी यार अभी भी लेस्टर को पैसों की कमी है, पता नहीं वो कितना अमीर बनना चाहता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, लेस्टर भाई के लिए इतना सा काम हम कर देंगे। फिलहाल ये काम ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है क्योंकि यार LSPD में इतनी पुलिस नहीं होगी, अगर होगी तो देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट चलते हैं यार सबसे पहले LSPD। तो ओके गाइस अभी हम LSPD पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर ना मैं फ्रैंकलिन की गाड़ी लेकर आ गया था, और यार ये फ्रैंकलिन की फेवरेट कार है क्योंकि ये वाली जो कार है ना चलती बहुत स्मूथ है। तो मेरे को ना इसे एकदम शांति से पार्क करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से एक बारी जब हेलीकॉप्टर ले जाऊँ तो वापस लाकर उसको उसकी गाड़ी दे दूँ। और ये देखो भाई हम पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर पार्किंग वार्किंग ओके, बाहर की तरफ इन्होंने पार्किंग भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों की गाड़ी पार्क होती है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ, ज़्यादा कोई कलेश वलेश ना हो जाए। अगर कार चुरानी होती तो मैं आराम से चोरी कर लेता, शीशा तोड़ के इनकी गाड़ी वाड़ी की चाबी अभी खोल लेता, लेकिन अभी यार हेलीकॉप्टर का सवाल है तो हेलीकॉप्टर नीचे तो होने नहीं वाला। तो सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ यार, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एंटर होऊंगा ना तो यार सब लोग मेरे को मारेंगे, लेकिन अगर हम हिटमैन वाली ट्रिक लगाएं यानी कि पुलिस वालों की ड्रेस पहनकर अंदर जाएं तो काफ़ी कुछ सेफ हो सकता। तो ये पुलिस वाले की मेरे को ड्रेस चाहिए होगी, रुक जाओ इसको ना मैं एकदम चुपचाप मारता हूँ जिससे कि इसे एकदम पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैंने इसे मार दिया। रुक जाओ कैसे मारे इसको, पीछे से लपेटते हैं, रुको तेरी भैंस की टांग ऐसी की तैसी तेरी, किसी ने देखा नहीं है, फटाफट से इसको मार के इसकी ड्रेस ले लेते हैं। तो कि गाइस यहाँ से मैंने पुलिस वाले की जो है ड्रेस तो ले लिया, बिल्कुल सेम टू सेम हिटमैन वाली ट्रिक लगाई है, अब किसी बस पुलिस वाले को पता ना चले। और यहाँ पर एक पुलिस वाला पीछे भी खड़ा हुआ, तो यहाँ पर भी फिलहाल किसी को शक तो नहीं हो रहा, और यहाँ पर जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पर नहीं है तो इस पुलिस वाले को भी शक नहीं हुआ। और मेरे हाथ में ना थोड़ा सा खून लगा हुआ है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं यार, पुलिस वालों के हाथ में थोड़ा बहुत खून लगे तो चलता है। अब यहाँ पर एंटर हो जाते हैं, देखते हैं यार किसी को शक ना हो, बट यार मैं एक पायलट नहीं हूँ, अगर मैं हेलीकॉप्टर लूँगा तो गड़बड़ हो सकती है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर मेरे को जाना कहाँ पर है, छत का रास्ता कहाँ है भाई, एक रास्ता यहाँ पर भी जा रहा है अंदर, अंदर चलकर देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर भी, ओ यहाँ पर एक और डोर है, इसके अंदर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, ओके तो पता नहीं यहाँ पर क्या सीन है भाई, काफ़ी अच्छा बना रखा है, मैं पहली बार आ रहा हूँ यार पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। ओके तो ये तो गैराज है, इसके अंदर अभी हम नहीं जा सकते, नीचे इन्होंने बना रखा है, नीचे चलकर देखते हैं, नीचे शायद से जेल वेल थाना वाना कहाँ बना हुआ है भाई तुम्हारा, ये सारे डोर लॉक हैं। ओके तो यहाँ पर ये क्या जगह है, ओ भाई तो ये है मेन जेल जिसके अंदर ये लोग बंदे रखते हैं, तो ये छोटा सा थाना है, तो इसके अंदर अभी फिलहाल कोई भी कैदी नहीं है, लॉस सैंटोस के सारे बंदे लग रहा है थोड़े बहुत सुधर गए हैं, और अभी कोई पुलिस वाला भी नहीं नजर आ रहा, तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट ऊपर चलते हैं। हेलीकॉप्टर का रास्ता कहाँ पर है, मतलब सीढ़ी का रास्ता कहाँ पर है, ओके तो एक सीढ़ी ये वाली है जिससे हम उतर कर आए हैं, तो ये रास्ता तो नहीं है, और यहाँ पर भी हमने चेक कर लिया ऑलमोस्ट। ओके तो एक रास्ता ये जा रहा है अंदर को, इसके अंदर क्या है, ओ भाई ये तो अलग ही जगह है, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, तो छोड़ो इसके अंदर हम बाद में जाएंगे। तो यहाँ पर एक रास्ता और है, ये वाला रास्ता लग रहा है सीढ़ी, ओ भाई 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 ये आगे सीढ़ियाँ जिसके ऊपर हमें जाना है, तो फटाफट चलते हैं भाई, फटाफट यहाँ पर चलते हैं छत पे, क्योंकि यार पुलिस वालों के डिपार्टमेंट की छत पर ही हमेशा हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। अब यहाँ पर मेरे को बस डर ये लग रहा है कि अगर हम हेलीकॉप्टर के अंदर बैठेंगे तो दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि अगर यार पुलिस पीछे पड़ेगी ना तो हेलीकॉप्टर ही फोड़ के गिरा देगी। ओ भाई साहब 3 स्टार की पुलिस पीछे पड़ गई, मतलब कि यार देखो मैं छत पर ऐसे से नहीं था, मतलब कि छत पर सिर्फ पायलट आ सकता है और पायलट के साथ पुलिस वाला आ सकता है, और यार अब तो हेलीकॉप्टर भी पीछे पड़ जाएंगे, बस मेरे को जल्दी से यहाँ से उड़ के निकल जाना है। अरे भैया ये लेस्टर ना मरवाएगा किसी दिन, कितने भी अमीर हो जाए भैया ये लेस्टर चिंती काम करवाते रहता है चोरी चकारी वाले। अभी ना मैं इस वाले हेलीकॉप्टर को अपने नए वाले घर पर नहीं ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर अगर पुलिस पीछा करते करते आ गई या फिर बाय चांस ढूंढ लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसको ना यार किसी सीक्रेट लोकेशन पर लैंड करवा देंगे जहाँ से हम बाद में आकर ले सके और पुलिस वाले भी इसे ढूंढ ना पाए। तो यार सोच रहा हूँ पुराने वाले घर पर ही लैंड करवा दे, क्या पीछे की साइड वैसे जगह नहीं है, अगर मैं लेकिन अपने टेनिस कोर्ट में पार्क करवा दूंगा तो सही है, लेकिन यार वहाँ भी गड़बड़ है क्योंकि पूरा ओपन है, अगल बगल वाले बंदों ने घर से अपने झांक कर खिड़की में से देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और पुलिस वाले हमारा पीछा नहीं कर पा रहे तो फटाफट से हमारे जितने भी केस हैं वो हट जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, हेलीकॉप्टर को ना किसी हिल विल पर उतार देता हूँ ताकि कोई ढूंढ ना पाए, पेड़ पौधों के बीच में उतार दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कि गाइस यार हेलीकॉप्टर उड़ाते उड़ाते मैं ना लॉस सैंटोस से बाहर आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पर जाना चाहिए। फिलहाल पुलिस वालों ने हमारा पीछा छोड़ दिया है, अब ये जो जगह ना ये जो हिल है मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई आता नहीं होगा, तो थोड़े टाइम के लिए मैं सोच रहा हूँ अपना हेलीकॉप्टर हम यहीं पर रख देते हैं, जब लेस्टर मंगवाएगा जब उसे काम होगा
तो यहीं पर से आके इस हेलीकॉप्टर को ले जाएंगे। अब फायदा पता है क्या है यहाँ पर रखने का, कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी पुलिस वुलिस वालों से, कि वरना किसी के घर पे रखेंगे या फिर अपने घर पे रखेंगे तो पुलिस वाले भैया आके ले जाएंगे हेलीकॉप्टर और हमें मारेंगे अलग भैया, मतलब कि गलती वाली कुटाई हो जाएगी। तो फटाफट इस हेलीकॉप्टर को यहीं पर लैंड करवा देते हैं। अरे भैया आराम से अभी तो मैं नीचे चले जाता, तो यहीं कहीं पर मेरे को एक ना ढंग की लैंड ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम आराम से लैंड करवा पाएं, वरना कोई तिरछी विरछी जगह होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ओके गाइस, फाइनली यहाँ पर कुछ देर बाद हमने अपने हेलीकॉप्टर को यहीं पर ले आया, तो यही मेरे को एकदम बेस्ट लोकेशन लग रही है लैंड करवाने के लिए। तो फटाफट यहाँ पर हम अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवा देते हैं। ओके तो गाइस, मेरे हिसाब से यहाँ पर इसको कोई देख ही नहीं पाया, क्योंकि दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, और जो भी प्लेन व्लेन जाते हैं वो काफी ऊपर से जाते हैं तो उनको तो वैसे ही नजर नहीं आने वाला, और नीचे से कोई यहाँ पर आता ही नहीं है। तो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। और हाँ यार, यहाँ तक आपने GTA 5 के जिन्होंने भी 20 एपिसोड देखे हैं उनको पता होगा यार कि फ्रैंकलिन ट्रेवर और माइकल ने किस तरीके से स्टार्ट करा था गरीबी से, फिर चोरी चकारी करी, कुछ बड़े बड़े बंदों को मारा और इतना सारा पैसा आ गया। आज ये तीनों लोग ही मिलियनर बन चुके हैं। अब यहां पर आपने शुरू में देखी थी भाई गरीबों की लाइफ, ये लोग कैसे गरीब से अमीर हुए और कैसे इन्होंने खुद जाकर चोरियां करी, छोटी मोटी गाड़ियां चुराई, बड़ी बड़ी गाड़ियां चुराई। वो भाई साहब सामने माउंटेन लायन जा रहा है, भाई साहब इसको मैं मार देता हूं, जो पहले से मार देता हूं वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके तो यहां पर मैंने इसे लायन को मार दिया, वरना भैया ये मेरे को मार देता हूं, इससे पहले मैंने इसे मार दिया तो चलो सही है। तो यहां पर आपने अभी तक देखा था गरीबों की जिंदगी की, ये लोग कैसे गरीब थे और कैसे अमीर हुए। अब आप देखोगे कि भाई ये लोग अमीर होकर कैसे जीते हैं, मतलब कि पहले ये लोग छोटी मोटी चोरियां करते थे, बट ये लोग अब बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करेंगे। तो मतलब अब जो एपिसोड्स आने वाले हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि ये लोग जितने भी चोरी चक्कारी वाले काम थे कम हो जाएंगे, अब होगी बड़े लेवल की चोरी, सब कुछ खतरनाक होगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ यार इंस्टा पे जाकर मुझे अपना सजेशन देना मत भूलना कि मुझे आगे गेम में क्या करना चाहिए। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।